हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का साग। तो ये कद्दू का साग जो है बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ये बेल जैसा होता है। तो कद्दू को साग को मैंने साफ करके छील के इसकी डंडियों को रख लिया है, तो इसकी डंडियां और पत्ते दोनों बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। तो इसको मैं बनाना आपको सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, तो कढ़ाई में हम डाल देंगे पानी। तो इसमें मैंने आधा गिलास करीब पानी डाल दिया है, तो छोटा हो तो एक गिलास। तो अब इसी पानी के अंदर हम डाल देंगे ये आलू और डंडियाँ। आलू और डंडियों को हम पहले डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, और थोड़ा सा बॉईल होने के बाद फिर बताऊंगी आपको इसे बनाना कैसे है। तो ये मैंने आलू और डंडियों को पानी के अंदर डाल दिया है, इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। इसको अब ढक देते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये आलू और डंठल को मैंने थोड़ा सा पहले ही डाल दिया था, तो अब अच्छे से ये हल्के हल्के आलू उबलने लगे हैं। तो अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये कद्दू के पत्ते, जो हमने कद्दू का साग रखा हुआ है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो मैंने इसको हाथों की मदद से छोटा छोटा तोड़ लिया है पत्तों को, और बढ़िया से साफ करके रखा हुआ है। तो इसी के साथ हम डाल देंगे ये पालक। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो साग के अंदर एक पाव करीब 200 ग्राम करीब लगाओ आप पालक डाल दी है। तो पालक को भी मैंने डंडियों के साथ काटा है। पालक डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसी के ऊपर हम डाल देते हैं नमक, और उसके बाद इसको उबलने तक वेट करेंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है हमने इसमें। तो अब इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि अच्छे से गल जाए। तो हमने साग को उबाल लिया था, देख सकते हो कितना बढ़िया ये उबल रहा है, और इस बढ़िया से पत्ते और डंडी जो है गल गई है, और आलू को भी देख सकते हो बढ़िया से आलू फूटने लगा है। तो अब जो है इस साग को हम खाली कर लेते हैं एक डोंगे में। तो इस डोंगे में मैं पलट लेती हूँ। तो अब इसको जो है हम तड़का लगाएंगे, इसी कढ़ाई में तड़का लगा लेंगे। तो इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हल्का सा पकने देंगे, और इसमें जो तड़का लगाएंगे हम 5 फरम का लगाएंगे। 5 फरम इसमें सरसों है, कलौंजी है, मेथी है, सौंफ है और जीरा है। तो इसमें पांचों चीजें हैं, इसको बोलते हैं 5 फरम, जो है आपको मसाले वाले की दुकान पे भी मिल जाएगा। तो इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मैंने ये 5 फरम इसमें डाल दिया है, इसको हल्का सा पकने देते हैं। तो जो 5 फरम हमने डाला था वो बढ़िया से पक गया है। तो इसमें हमने 2 लाल मिर्ची को काट के ले लिया है, इससे अच्छा बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। कुछ लहसुन को मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं पसंद तो नहीं। तो ये है कद्दूकस करा हुआ अदरक, इसको भी डाल लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे। तो इस तरीके से इसमें तड़का लगाया जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है कद्दू का साग। जितना कि हम सीताफल खाते हैं, कद्दू खाते हैं, उससे भी ज़्यादा ये ताकतवर होता है। इसमें फुल आयरन कैल्शियम मिलता है। तो इसको हमने लहसुन को भून लेना है, और साथ में डाल देनी है ये हरी मिर्च। तो इसमें हमने हरी मिर्च डाली हुई है लंबा चीरा लगा के। तो इसको तीखा आप अपने पसंद से बना सकते हो, जैसा आप पसंद करते हो। तो ये सारे मसाले को मैं अच्छे से भून लेती हूँ, बढ़िया से हरी मिर्च को भी गला लेती हूँ। तो मीडियम गैस पे इसको पकने देंगे, लहसुन को हल्का सा ब्राउन होएगा जब तक पकाना है। तो इस साग को काफ़ी तरीके से बनाया जाता है, बैंगन और कद्दू भी डाला जाता है इसके अंदर, और बढ़िया डाल के भी बनाते हैं, जैसे उड़द की दाल की बढ़िया होती है, मूँग की होती है। तो मैं कई तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, आज मैंने सिंपल तरीके से सिखाया आपको बनाना। तो इसमें हमने पालक भी डाली है, तो बहुत ही हेल्दी है, आप देख सकते हो पालक तो बहुत आयरन होता है। तो इसी के अंदर हम जो है हल्की सी हल्दी डालेंगे, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने। तो थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी का डाल दिया है। तो अब हल्दी को हल्का सा इसी के साथ भून देंगे, और जो साग लिया है हमने इसको पलट देंगे। तो इसमें बहुत ही बढ़िया जो है खुशबू आ गई है। तो 2 मिनट जो है हम इस मसाले के साथ साग को पका लेंगे, ताकि जो है पूरे साग में इसमें टेस्ट आ जाए। तो 2 मिनट के लिए हम हल्का सा इसको फिर से भून देंगे, और इसको सिम गैस पे 5 मिनट पका लेंगे ढक के। तो 5 मिनट हमने साग को मसाला पकने के बाद जो है मिक्स करा था, पका लिया है। तो ये पूरे साग में जो है बढ़िया से इसमें टेस्ट आ गया है। तो अभी जो है हम गैस को बंद कर देंगे, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया खूबसूरत ये लग रहा है, और ये देखने में जितना कि बढ़िया लग रहा है उतना ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप चाहो तो उसको परांठे और रोटी के साथ खा सकते हो, लेकिन ये चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो फ्रेंड्स गैस को हम कर देते हैं बंद। तो आपको ये रेसिपी मेरी कद्दू के साग वाली कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।